वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एंड इंडियाज फर्स्ट वुमेन्स फैंटेसी चैनल फैंटेसी क्रिकबाउ साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो कि खेला जाने वाला है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में गए 27 जून को सुबह में 6 बजे ब्रायन लारा स्टेडियम तौरूबा तिरिनाद में ये मुकाबला शेड्यूल्ड है। तो वेन्यू कैसी होने वाली है, इस मैच में किस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा होने वाले, अभी तक इस वर्ल्ड कप में अनबीटेबल रही साउथ अफ्रीका क्या इस मैच में हार सकती है, वहीं अफगानिस्तान जो कि पूरे रिकॉर्ड 2010 से वर्ल्ड कप खेल रही है और देखो पहली बार ऐसा मौका है, इतनी खुशी की बात है अगर मैं बताऊं अफगानिस्तान के लिए कि फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाई है इस छोटी टीम ने। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के लिए यह बहुत अच्छा मौका होने वाला है कि इस मैच को अगर जीतती है तो अपने लाइफ मतलब साउथ अफ्रीका भी फर्स्ट टाइम फाइनल में पहुंच जाएगी क्योंकि कभी आज तक साउथ अफ्रीका फाइनल नहीं खेली है और यहां यह बहुत अच्छा मौका होने वाला है दोनों ही टीम के लिए। देखो बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंची है तो क्या फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचेगी या अफगानिस्तान पहुंचेगी, देखो ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन इस मैच में फैंटेसी पॉइंट सबसे ज्यादा किस प्लेयर का रहने वाला है, फैंटेसी पॉइंट सिस्टम में कौन सा प्लेयर कर देगा सबको बीट, दोनों टीमों में काफी स्ट्रांग नजर आए कुछ प्लेयर इस बार निखर के आए। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो सारे प्लेयर इनफॉर्म नजर आए, एक्सपीरियंस देखने को मिला है। वहीं अगर अफगानिस्तान की बात करेंगे तो इनके भी अगर आप टॉप ऑर्डर में बैटर्स की गुरबाज की बात करो या इब्राहिम जदरान की बात करेंगे नईब की बात करेंगे तो सारे ही प्लेयर इनफॉर्म है। सामने से डिकॉक रीजा हेनरिक्स एडम माक्रम अगर ऑलराउंडर में कंपेयर किया जाए तो इनके पास यहाँ नबी होंगे, करीम जन्नत होने वाले हैं, राशिद खान को भी हम ऑलराउंडर में यहाँ ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्को जॉनसन जैसे प्लेयर देखने को मिलेंगे। गेंदबाजी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस मैच में, जो कि आपके लिए सबसे मतलब टफेस्ट पॉइंट होगा कि आपको कौन कौन से गेंदबाज अपने टीम में रखने, क्योंकि सारे ही प्लेयर एकदम गजब की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे आप इधर से रबाडा को बात करो, समसी, केशव महाराज, एंडिश नोकिया, यही दूसरी तरफ कंटिन्यूअसली विकेट निकाल रहे हैं अभी नवीन उल हक, फजल अक फारूकी जिन्होंने स्टार्टिंग से विकेटें निकाली है, इसके अलावा नूर अहमद की बात कर लेंगे गाइस। तो इन सारे प्लेयर में से हमारी प्लेइंग 11 पहले सेमीफाइनल मुकाबले में क्या रहने वाली है और इस मैच का बेस्ट सीवीसी कौन बनने वाला है। लास्ट मैच इंडिया के मैच में जैसा मैंने आपसे वादा किया था वन साइडेड विनिंग कराइएगा इस चैनल में, जितने लोग भी नए आए टेलीग्राम पे जाके चेक जरूर करिएगा क्योंकि उस मैच में अल्टीमेट हमारी टीम गई थी एकदम वन साइडेड विनिंग कराई, उसका बहुत बड़ा रीजन था हमारे कुछ ट्रंप प्लेयर जैसे कि रोहित शर्मा को हम लेके आए थे। रोहित शर्मा को देखो पूरे टेलीग्राम पे ना आप चेक करना, किसी के पास रोहित शर्मा नहीं था फैंटेसी क्रिक बॉल को छोड़ के, हमने रोहित शर्मा प्रोवाइड किया। इसके अलावा आप देखो ट्रेविस हेड लोग ड्रॉप करके आए थे लेकिन मुझे कंफर्म पता था यार, मैंने सीवीसी के ऑप्शन में ट्रेविस हेड का नाम दिया था क्योंकि मुझे पता था इंडिया के अगेंस्ट ये प्लेयर चलता ही चलता है और यही होता है कि अगर आप स्टैट्स पे टीम बनाते हो ना तो आपकी टीम हिट करनी ही है बड़े मैचेस में। तो गाइस आप जाके चेक करो अगर लगेगा बाद में सच्चाई है। इसके अलावा अर्शदीप सिंह हमारी टीम में थे तो ओवरऑल हमने सबसे बेस्ट टीम आपको दी थी, आप खुद देखोगे अगर आपको विश्वास हो जाएगा तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। इस मैच को भी जैकपॉट बनाने का यहाँ वादा हम आपसे करने वाले गाइस। इस वीडियो में देखो हम क्या क्या कवर करके देंगे, SA वर्सेज AFG, ग्रैंड लीग टीम क्या होगी, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या रहने वाला है, वेन्यू स्टैट्स की बात करेंगे कि साउथ अफ्रीका वर्सेज अफगानिस्तान पिच रिपोर्ट क्या होने वाली है, सारे खिलाड़ियों के रीसेंट परफॉर्मेंस, प्लेइंग 11 में क्या कोई चेंजेस तो नहीं होने वाले, बॉलिंग ऑर्डर क्या होगी ग्रैंड लीग में और हमारा गेम चेंजिंग प्लेयर इस मैच में कौन रहने वाला है। कहीं देखो मजा आने वाला है, पहले सेमीफाइनल में मैं बता रही हूं धमाकेदार मैच होने वाला है और इस मैच की पूरी तैयारी वीडियो में कर लो आप। दोनों टीमों की अगर हेड टू हेड के बारे में बात करें तो दो ही मैच आमने सामने खेली है दोनों टीमों ने और वर्ल्ड कप में ही खेला है, ठीक है, दो के दोनों मैच जीता है साउथ अफ्रीका ने, एक 2016 में खेला था, देखो साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए जीता, डीकॉक ने यहाँ पर 45 मारा था रबाडा को 2 विकेट, सामने से बात करेंगे तो नईब ने 26 मारा था, इसके अलावा नबी को विकेट मिली थी। एक और मैच देखेंगे गाइस, ये बहुत पुराना मैच है यार 2010 का मैच है, वो प्लेयर तो साउथ अफ्रीका के अब है भी नहीं लेकिन नबी जो है ना वो बहुत ही एक्सपीरियंस है, आप देखो कितना पहले से खेल रहे हैं, जब से वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान खेलना शुरू किए तब से नबी खेल रहे हैं और ये उनके लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं है कि आज उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, उनके अपने प्लेयर वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है।
और गाइज देखो, जो हमारी फाइनल टीम आती है ना, वो टेलीग्राम पे आती है, बिल्कुल फ्री टीम मिलने वाली है, आपसे एक भी रुपए लिए नहीं जा रहे, एकदम फ्री टीम आपको मिली है। एज अ सजेशन आप हमारी टीम देख सकते हो, उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको सबको पता है कि सारी वीडियो गिव अवे स्पेशल वीडियो होती है, तो गिव अवे आप कैसे जीत सकते हो, फर्स्ट लाइक, फर्स्ट कॉमेंट, बेस्ट कॉमेंट ऑफ द डे, और मैं दो इजी क्वेश्चन पूछूंगी, दोनों क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले सबसे सही देके आप डेली गिव अवे जीत सकते हो। गाइज ये एक छोटा सा मेरी तरफ से गिफ्ट होता है आपके लिए, बाकी ऐसा कोई बात नहीं, आप जितना दिल से सपोर्ट करते हो, पहले तो आप सबको थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। आगे मैं लास्ट इंडिया वाली वीडियो के गिव अवे विनर की अनाउंसमेंट भी करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन का, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि देखो क्या होता है ना, कई बार आप मिस कर जाते हो, स्किप हो जाता है दिमाग से, लेकिन जो डेली आपको मॉर्निंग में मेरा मैसेज, मेरे फैंटेसी क्रिकेट बॉल का मैसेज आ जाएगा कि आज ये पर्टिकुलर मैच इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप देख लो वीडियो, इसलिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जस्ट उसके ऊपर देखोगे मोर का ऑप्शन होगा, मोर पे क्लिक करते ही ये पेज ओपन होगा, डिस्क्रिप्शन मतलब ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको टेलीग्राम दिखेगा, टेलीग्राम पे क्लिक कर देना, आपके फोन में टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, यहाँ से ज्वाइन कर लेना। ऑलरेडी 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने भरोसा दिखाया है यहाँ पर एक विमेंस के चैनल पे गाइस, तो आपकी बारी है, अब आपको भी सपोर्ट तो देना पड़ेगा। और देखो सपोर्ट देने के लिए भी ना, मैं भी अपना 100% आपको दे रही हूँ, चाहे आप हमारी वीडियो में हमारा मोटिवेशन देखो, हमारा आपके प्रति समर्पण देखो, जो हम काम जिस तरह से कर रहे हैं, अपना फुल एनर्जी के साथ आपको सारी डेटा प्रोवाइड करें, और हमारे टेलीग्राम की टीम भी आप मिला लो जिससे मिलाना है, ठीक है, लास्ट मैच की नहीं 10-12 मैच की मिला लेना, उसके बाद पता चलता है ना कि विनिंग रेशियो क्या है हमारा, उसके बाद जुड़ जाना। और आपकी सहूलियत के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, तो सबसे पहले जाके हमारे टेलीग्राम, हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ, जहां पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो मेरे लिए, और टेलीग्राम से जुड़ जाना है। गाइस चलो आगे बात कर लेते हैं, ब्रायन लारा स्टेडियम तरुबा तिरुनाथ पिच रिपोर्ट, तो ओवरऑल देखो ये दिखा रहा है यहाँ पर बॉलिंग पिच है, पेसर को मदद है, लेकिन मैं आपको बताऊँ न्यूट्रल पिच हम इसको कह सकते हैं, ये एक न्यूट्रल पिच है जहाँ पर बैटिंग भी एवरेज होगी, बॉलिंग भी अच्छी होगी, इनिशियल ओवर में पेसर को मदद मिलेगी, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा मिडिल ओवर में आपके कुछ स्पिनर्स भी यहाँ पर अच्छा विकेट निकाल के दे सकते हैं। एवरेज स्कोर जो है वो 137-150 के बीच में रहता है, हाईएस्ट यहाँ पर इंग्लैंड ने बनाया था भी रिसेंट में 267 पे 3 विकेट है, लोएस्ट स्कोर की बात करेंगे तो युगांडा 40 रन बना के पूरी टीम चलती बनी थी। टोटल जो मैच खेले गए हैं 8 मैच खेले गए हैं, जिसमें चेस करने वाली टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं और 4 बार फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने, 8 में से अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 6 मैच जो हुए हैं वो 150 से नीचे के हुए हैं, लेकिन जो 2 मैच हुए हैं ना वो 190 से ऊपर के भी हुए हैं। तो ये चीज याद रखना कि अगर साउथ अफ्रीका यहां पहले बैटिंग करेगी तो बहुत ज्यादा रन बनने वाले हैं, जिस तरह की उनके प्लेयर्स की फॉर्म चल रही है, सारे प्लेयर एकदम इन फॉर्म है और काफी गहराई भी है, अगर उनकी बैटिंग लाइन आप देखोगे तो अच्छी खासी गहराई भी है, तो ये एक थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा एज मिलेगा यहाँ पर, फर्स्ट बैटिंग में रन बनेगा। और मैं इस मैच को 170-180 वाला मैच देख रही हूँ, आगे कुछ मैच देखने वाले हैं जो रिसेंटली इस वेन्यू पे खेला गया है, किस तरह का मैच हुआ था। तो लास्ट मैच जो खेला गया था वो पापुआ न्यू गिनिया और न्यूजीलैंड का हुआ था गाइस, तो देखो जब भी थोड़ी छोटी टीमें फर्स्ट बैटिंग करती हैं तो वहां पर स्कोर नहीं बनेगा, तो आप इस पे जज मत करना कि इतना कम स्कोर बनने वाला है। 13 विकेटें गिरी थी जिसमें से 10 विकेटें मिली थी पेसर को और 3 स्पिनर को। एक और मैच देखेंगे युगांडा न्यूजीलैंड का, यहाँ 11 विकेटें गिरी है जिसमें से 7 विकेट पेसर ने निकाला और 4 स्पिनर ने। पापुआ न्यू गिनी और अफगानिस्तान का मैच हुआ था जिसको अफगानिस्तान ने जीता था, 13 विकेटें यहाँ गिरी थी जिसमें से 8 विकेट पेसर को मिली है और मात्र 1 विकेट मिली है आपके स्पिनर को। तो गाइज आप देख सकते हो मैक्सिमम जो विकेटें यहाँ निकाल रहे हैं वो पेसर ही निकाल रहे हैं, इवन अफगानिस्तान की टीम से भी आप देखोगे ना तो पेसर ने ही ज्यादा विकेट निकाल के दिया है इस वेन्यू पे, ठीक है। आगे बात करेंगे कि ये मैच आपको खेलना कहाँ है, तो ये मैच आपको खेलना है जहां मैं खेलती हूँ, और मैं कहाँ खेलती हूँ, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो मैं रियल 11 पे खेलती हूँ गाइस, क्योंकि इस समय फैंटेसी का मैं बताऊं आपको सबसे बेस्ट ऐप है। यार देखो बोलने वाली बात नहीं है, आप खुद जाके ना, कल ही किसी ने मुझसे पूछ रहा था कि मतलब यहाँ पर आपको खेलने का क्या फायदा है, एंट्री फी के कुछ उनको नॉलेज लेनी थी, तो मैंने उनको बताया कि मतलब एंट्री फी में कंपैरिजन आप करो, मैं कोई पोस्ट और ऐसा
कुछ आपको नहीं देने वाली हूँ कि आप यहाँ पर मैं बोल रही हूँ और आप मेरे कहने पे खेलो, ठीक है। आप खुद देखो, आप खुद चेक करो कॉन्टेस्ट अदर ऐप से, इस ऐप पे भी आपको सारे कॉन्टेस्ट देखो, ऑलमोस्ट विनिंग जो होती है ना वो सेम ही होती है। अगर 10,000 की विनिंग इस पे मिल रही है तो 10,000 की विनिंग आपको अदर ऐप पे भी मिल रही है, लेकिन उसके लिए हमारी ज्वाइनिंग फीस कितनी रहने वाली है वो आप कंपेयर करके देखो ना कि अदर ऐप पे आपसे कितने पैसे लिए जा रहे हैं और यहाँ पर आप कितने पैसे बचा सकते हो। किसी किसी कॉन्टेस्ट में मैं बताऊँ 100-100 रुपए का अंतर है, तो यार उतने में तो हम एक्स्ट्रा कॉन्टेस्ट खेल के एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, कुछ अपने लॉस रिकवर कर सकते हैं। तो ये फायदा है आपको रियल 11 पे खेलने का। इसके अलावा यहाँ पर आप लूडो खेल सकते हो, आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, यस नो में अपनी ओपिनियन देके काफी पैसे बना सकते हो। गाइस जो ऑप्शन आपको अदर ऐप पे भी हो सकता है मिल जाए, आप अदर ऐप पे भी खेलो, लेकिन वहां पर भी अगर आप कंपेयर करोगे ना तो सबसे कम कमीशन वहां भी रियल 11 आपसे ले रहा है, और सबसे बड़ी चीज कि सबसे ट्रस्टेड और लीगल ऐप है। तो सही जगह खेलो जहां पर आप सेफ हो, आपका पैसा सेफ हो। तो आप फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो और हमारा रेफर कोड FCB यूज जरूर करना ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरे फैमिली से मेरे साथ खेलते हो। उससे फायदा क्या होगा ना आपको वो भी बताती हूँ। आपके जब आप मेरा कोड यूज करके मेरे साथ मेरे फैमिली से खेलोगे ना, FCB यूज करोगे, तो आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको पूरे 20% का रियल कैश मिलने वाला है। पूरे 20% बहुत होते हैं, समझ रहे हो। अगर आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए ना तो आप 12,000 रुपये खेलने वाले हो। तो जाओ नया डाउनलोड करो और नया, अगर आपने पहले से भी डाउनलोड कर रखा है तो न्यू डाउनलोड करके नया खेलना शुरू कर दो। बाकी आप देख सकते हो, आप यहाँ पर लूडो में भी बहुत पैसे बना सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2-2 मिनट का लूडो में आप लाखों रुपये बना सकते हो और लोग बना रहे हैं। खुद का कॉन्टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ भी आप खेल सकते हो, मुझे भी चैलेंज कर सकते हो, जिसके साथ मानो उसके साथ खेल सकते हो, ठीक है। तो आप जाओ फटाफट सब लोग रियल 11 पे खेलना शुरू कर दो। गाइज आपको ओपिनियन में इस तरह ऑप्शन भी दिख रहा होगा जहां पर आपसे इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको यस नो में आंसर देना होता है। अपना एक क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर लो, बजट के अकॉर्डिंग कंफर्म कर लेना, और अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो आप बहुत सारे पैसे बना सकते हो। चलिए बात करेंगे हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के गिव अवे विनर क्या कौन कौन था। तो यहां पर सबसे पहला नाम जो मुझे दिख रहा है बेस्ट कमेंट ऑफ द डे में, यहां विजय कुमार का नाम दिख रहा है। फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट में भी यहां पर नाम है प्रकाश कुमार, जी कुमार एंड शिवम, और क्वेश्चन आंसर का जिसने सबसे पहले आंसर दिया था एक्सेल गेमिंग नाम है। तो यहां स्क्रीनशॉट ले लो आप जिसका जिसका नाम यहां विनर लिस्ट में आया हुआ है, मेरे टेलीग्राम आईडी पे मुझे मैसेज करके बता देना ताकि आपका गिफ्ट आपको मिल सके, ठीक है। भूलना मत, स्किप मत करना, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। चलो आगे हम बात करेंगे दोनों टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी। सबसे पहले साउथ अफ्रीका टीम की बात करने वाले हैं। तो गाइज अगर बात करें, पहले भी मैंने आपको बोला था ये हैदराबादी बिरयानी वाला असर है आईपीएल वाला, ये टीम आगे जाएगी, देखो फाइनल तक के पहुंचने के कगार पे आ गई है, बहुत ही अच्छा खेल रही है। वन डाउन यहाँ पर ओपन आएंगे क्विंटन डिकॉक, एनरीजा हेनरिक, वन डाउन बैटिंग आएंगे एडम मार्करम, बैक टू बैक हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब, मार्कुस जैनसन, केशव महाराज, कगिसो रवाडा, एनरिक शोकियान, तबरेज शम्सी। तो ये होगी साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। अब इन प्लेयर में से आपके कौन कौन से प्लेयर रहने वाले हैं और किस प्लेयर को आपको सीधे सीधे ड्रॉप करना है, तो वहां अगर हम बात करें गाइज, यहां पर से क्विंटन डिकॉक को इस बड़े मैच में ड्रॉप मत करना, इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। मार्करम के साथ हम जाएंगे, क्लासन के साथ हम जाएंगे, ठीक है, ये सब सेफ प्लेयर मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो चारों बॉलर है ना, किसी को ड्रॉप मत करना। तो ये 7 प्लेयर जो साउथ अफ्रीका के हैं ये कंफर्म प्लेयर हैं, इनको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करेगी तो हम मार्को जैनसन के साथ भी जाएंगे, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगी वहां पर आप जैनसन को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि जैनसन की इंपॉर्टेंस तब होती है जब साउथ अफ्रीका पहले गेंदबाजी कर रही होती है। इसके अलावा हम रीजा पे ग्रैंडिंग में रिस्क ले सकते हैं या फिर ट्रिस्टन स्टब पे, क्योंकि ट्रिस्टन स्टब भी इस सीजन अगर आप देखोगे ना हर मैच में बहुत अच्छा, लास्ट मैच भी उठा के देख लो, अपने टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाया था ट्रिस्टन स्टब ने। तो ये चीजें आपको याद रख के कुछ अपने, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें भी बताती रहती हूँ आपको जो आपके माइंड में चलती रहे। तो आगे बात कर लेते हैं यहाँ अफगानिस्तान की प्लेइंग 11। आपने वो वाली वीडियो तो इनकी देखी होगी, वो चैंपियन वाली, पूरी टीम नेक्स्ट लेवल पे खुश है और खुश होना बनता भी है यार। मतलब फर्स्ट टाइम किसी टीम के लिए अचीवमेंट है, सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल पहुंची है बड़ी बड़ी टीमों को बीट करके। तो यहाँ ओपन आएंगे रहमानुल्लाह गुरबाज, उनका साथ देते हुए दिखेंगे इब्राहिम जादरान, वन डाउन बैटिंग आएंगे गुलाबदीन नईब। लास्ट मैच में गुलाबदीन नईब के जो ना क्रैम्प आ रहे थे,
मतलब लेट जा रहे थे पिच पे, उसके बाद देखने को मिल गया अजमतुल्ला, उमर जाई, मोहम्मद अबी, करीम जनात, राशिद खान एंड करोटे, नूर अहमद, नवीन उल हक एंड फजल अक फारूकी। अब इन प्लेयर में से किस प्लेयर के साथ हमें जाना है? देखो जो फॉर्म चल रही है ना गुरबाज की, मुझे लग रहा है इस मैच में गुरबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि फॉर्म भी अच्छी है, साथ ही साथ देखो आपको वहाँ पर विकेट के पीछे से एक दो कैचेस स्टंपिंग से पॉइंट दे के जाएंगे। नई बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, ये वजह है कि नई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चला खिलाड़ी है यार, लास्ट मैच में तो आपने देख ही लिया होगा, राशिद खान प्लेयर ही नहीं रखना है, कैप्टेंसी के भी पहले ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि हर मैच में बैक टू बैक देखो आपको विकेट निकाल के दे रहे हैं, साथ ही साथ रन भी बना सकते हैं, बहुत क्षमता है इनके अंदर, बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। गेंदबाजी में मुझे लग रहा है जो फॉर्म है नवीन की, फजल अक फारूकी की, तो ये चार पाँच प्लेयर एकदम फिक्स प्लेयर होंगे। यहाँ पर नूर अहमद को जीएल में हम ट्राई कर सकते हैं, इब्राहिम जदरान को जीएल में ट्राई किया जा सकता है, बाकी नबी को आप ट्राई कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये दो तीन प्लेयर है यहाँ पर रोटेट प्लेयर जीएल के हैं, बाकी जो स्मॉल लीग के मेरे फिक्स प्लेयर हैं वो मैंने आपको राउंड ऑफ में कर दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सारे खिलाड़ियों की रीसेंट परफॉर्मेंस की। सबसे पहले डिकॉक की बात करेंगे गाइस, आखिरी पांच में से देखो दो हाफ सेंचुरी आई है, लास्ट मैच ज्यादा स्कोर नहीं किया था, अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक मैच खेला है, 45 रन बने, वेन्यू पे त्रिनिदाद में मैच नहीं खेला इन्होंने। रीजा की बात करेंगे, रिसेंटली आखिरी तीन मैच से फ्लॉप रीजा हेनरिक, इस मैच में चल सकते हैं, हालांकि ना मैं कुछ प्लेयर पे ट्रस्ट कम दिखाती हूँ, उसमें से एक नाम रीजा हेनरिक्स का भी है जिनके पे मैं ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है इस मैच में अच्छा कर सकते हैं, अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं खेला है, वेन्यू पे भी नहीं खेला। एडम माक्रम लास्ट मैच में पूरे ओवर कराए थे इन्होंने, साथ ही साथ 18 रन बनाए, एक विकेट भी ली इन्होंने भी, माक्रम ने भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट कोई भी मैच नहीं खेला है, वेन्यू पे भी नहीं खेला है। क्लासेन की बात करेंगे, क्लासेन भी अगर इस वर्ल्ड कप में आप देखोगे ना, जो क्लासेन की वो फॉर्म है, जो क्लास पारी खेलने के लिए जाने जाते, अभी तक वो दिखी नहीं है मुझे इस वर्ल्ड कप में। उम्मीद करते हैं कि इस मैच में क्लासेन उस तरह की पारी खेलें और आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चलो। यहाँ पर अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं खेला है, वेन्यू पे भी मैच नहीं खेला है, डेविड मिलर, इनको देखो मौका मिलेगा तो ये खिलाड़ी तोड़ेगा जरूर, और मौका मिलेगा क्योंकि अफगानिस्तान की गेंदबाजी ऐसी है कि मौका मिलेगा सबको। यहाँ पर आप देख सकते हो अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक मैच खेला 19 रन बने, टिस्टन स्टब 27-20-12, लास्ट मैच 29 रन बनाए थे, अफगानिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने मैच नहीं खेला है, वेन्यू पे भी मैच नहीं खेला है, अच्छे प्लेयर हैं बैटर्स में, आप टिस्टन स्टब पे रिस्क ले सकते हो। मार्को जेंसन 0 विकेट दिया है, पर लास्ट मैच अच्छा किया था, एक विकेट लिया था, साथ ही साथ 21 रन बनाए थे, अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं खेला, ब्रायन लारा स्टेडियम में भी नहीं खेला है, कंटिन्यूअसली आखिरी चार मैच से विकेट निकाल रहा है। केशव महाराज इस मैच में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इन्होंने भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं खेला है, वेन्यू पे भी नहीं खेला है। एनरिच नोकिया आखिरी मैच अगर आप छोड़ दो तो चारों मैच में विकेट मिल रही थी, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिली थी, ये भी अगर इस सीजन की जब ये वर्ल्ड कप शुरुआत हुआ था तो एनरिच नोकिया ने अपनी टीम को यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया और काफ़ी एक्सपीरियंस है। इस मैच में आपको इनके तरफ से अच्छी गेंदबाजी होते हुए जरूर दिखने वाली है। आगे रबाडा की अगर हम बात करें ना, तो रबाडा भी आखिरी पांच में से चार मैच में विकेट निकाले हैं, अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक मैच खेला है, दो विकेट निकाला है, वेन्यू पे मैच नहीं खेला है। शम्सी की बात करेंगे, 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, आखिरी तीन मैच में टोटल 8 विकेट निकाल चुके तबरेज़ शम्सी भी, और देखो तीन ही मैच खेला ही है तबरेज़ शम्सी ने, तीन ही मैच खेला है और तीन मैच में 8 विकेटें निकाली है, तो बहुत ही अच्छी फॉर्म है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, हालांकि नहीं मैच खेला है, वेन्यू पे भी नहीं मैच खेला है। एक्स्ट्रा प्लेयर के स्टैट्स आप स्क्रीनशॉट लो, हालांकि वेरी लेस चांसेस टू एनी चेंजेस। अगर आगे बात करेंगे साउथ अफ्रीका की बॉलिंग ऑर्डर, तो पावर प्ले में बॉल डालेंगे कगिसो रबाडा, एनरिच नोकिया, मार्को जेंसन, मिडिल ओवर में बॉल डालने वाले हैं कगिसो रबाडा, तबरेज़ शम्सी, एनरिच नोकिया, केशव महाराज एंड मार्को जेंसन, डेथ में बॉल डालेंगे कगिसो रबाडा, तबरेज़ शम्सी, एनरिच नोकिया एंड मार्को जेंसन। जेंसन अपने पूरे 4 ओवर कराएंगे साउथ अफ्रीका की पहली बॉलिंग में, मैं बार बार बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर नोकिया फिक्स प्लेयर है, रबाडा फिक्स प्लेयर है, शम्सी फिक्स प्लेयर है, ये तीन फिक्स प्लेयर है, केशव महाराज, ये चार के साथ तो मैं फिक्स हूँ, इनके साथ रिस्क इन्वॉल्व है सेकेंड बॉलिंग को लेकर मेरे मन में, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लो गाइज। अगर आगे बात करें अब अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की, तो रहमानुल्ला गुरबाज का नाम, जो आखिरी दो मैच में बैक टू बैक अपने टीम के लिए बहुत, अपने और अपने टीम के लिए अभी तक में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। अगर साउथ अफ्रीका में हम देखें तो डिकॉक ही होंगे, यहां पर डिकॉक ने ऑलमोस्ट 199 रन अभी तक बनाए, गुरबाज ने 280 रन बनाया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, हालांकि इन्होंने मैच नहीं खेला है, वेन्यू पे एक मैच खेला है, 11 रन बनाए। इब्राहिम जदरान की बात करेंगे, 38-8-51-18, इन्होंने भी
अच्छी कुछ पारियां खेली है और अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं। वेन्यू पे एक मैच खेला है, 0 पे आउट हुए थे। गुलाबदीन नईब की बात करेंगे, 49 रन 7 रन 2 विकेट 17 रन 4 विकेट 1 विकेट, 5 के 5 मैच में गुलाबदीन नईब ने अपना टीम को योगदान दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक मैच खेला है 26 रन, वेन्यू पे एक मैच खेला है, रन बने हैं वहाँ पर 49। आगे बात कर लेते हैं अजमतुल्ला उमर जई की। उमर जई का जगह इस बार नई नज़र आए, ज़्यादा उभरते हुए, ज़्यादा चमके हैं इस बार, क्योंकि उमर जई से अभी आप देखो लास्ट 5 में 2 मैच में विकेट मिली है, वेन्यू पे एक मैच खेला है, 13 रन। नबी की बात करेंगे, सिर्फ 5 में से 1 मैच में विकेट मिली है, रन भी कुछ खास नहीं बने हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2 मैच 2 विकेटें, वेन्यू पे एक मैच 16 रन बने हैं। यहाँ पर अगर बात करें, नबी एक्सपीरियंस है इसलिए हम जीएल में ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है, देखने को मिल सकता है। करीम जनात की बात करेंगे, मैं नहीं जाने वाली हूँ इनके साथ, वेन्यू पे एक मैच खेला है, विकेट नहीं मिली है, आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो। एन करोटे की बात करेंगे गाइज, इनको भी आप लास्ट मैच में तो देखो बॉलिंग भी नहीं कराई गई थी, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, स्पिनर को मदद भी कम है, तो इनके साथ नहीं जाना है। राशिद खान जो कि आखिरी 3 मैच में 8 विकेटें निकाले, राशिद खान ने लास्ट मैच में 4 विकेट निकाला था, बांग्लादेश को हरा के यहाँ तक पहुँची है। अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बात करें, एक मैच खेला है, विकेट नहीं मिला है, वेन्यू पे भी एक मैच खेला है, विकेट नहीं मिला है, क्योंकि देखो पेसर के पीछे तो स्पिनर को मदद कम है। नूर अहमद की बात करेंगे, 1 विकेट 0-0, आखिरी 4 मैच से नूर अहमद को विकेट नहीं मिला है, क्या इस मैच के ट्रंप प्लेयर बन सकते हैं? चांसेस बहुत कम हैं, तो रिस्क बहुत बड़ा मत लेना। स्पिनर हैं ये भी, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच नहीं खेला है, वेन्यू पे एक मैच खेला है, 1 ही विकेट मिली है। नवीन उल हक अपने टीम के तरफ से, अफगानिस्तान के तरफ से सबसे कंसिस्टेंट गेंदबाज, आखिरी 5 के 5 मैच में विकेट मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हो भर भर के 1+1 1+2 1+3 के एवरेज से विकेट निकाली है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच नहीं खेला है, वेन्यू पे एक मैच 2 विकेट मिली है। ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग है, इस मैच में विकेट लेके जाएंगे। फजल अक फारूकी की बात करेंगे, आखिरी 5 में से 3 मैच में विकेट मिली है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच निकला, लेकिन सेम वेन्यू पे एक मैच खेल चुके हैं जहाँ 3 विकेट निकाली थी। और फारूकी और नवीन उल हक इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान पहले बॉलिंग करने आती है उस कंडीशन में। आगे देख सकते हो गाइस, यहाँ पर आप अफगानिस्तान के बेंच प्लेयर के स्टैट देख सकते हो। आगे बात करें अगर अफगानिस्तान की बॉलिंग ऑर्डर, तो पावर प्ले में बॉल डालेंगे अजमतुल्ला उमर जई, फजल अक फारूकी, नवीन उल हक, यहाँ पर राशिद खान, मिडिल ओवर में अजमतुल्ला उमर जई, नूर अहमद, गुलाबदीन नईब, करीम जनत, राशिद खान एंड मोहम्मद नबी। डेथ में बॉल डालेंगे नवीन उल हक, गुलाबदीन नईब, राशिद खान और यहाँ पर फजल अक फारूकी। नबी 1 से 2 ओवर करेंगे, करीम जनत के 1 से 2 ओवर, गुलाबदीन नईब के 1 से 2 ओवर, ज़्यादा भी हो सकते हैं और इंपॉर्टेंट ओवर, साथ ही साथ बैटिंग ऊपर करने आते हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नूर अहमद थोड़ा सा यहाँ रिस्क इन्वॉल्व है, फिक्स जो प्लेयर हैं वो यहाँ पर ये 4 प्लेयर में फिक्स है, राशिद खान, नवीन उल हक, फजल अक फारूकी और गुलाबदीन नईब, ये 4ों फिक्स प्लेयर है। रिस्क प्लेयर में आप नूर को ट्राई कर सकते हो या फिर नबी को भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 प्लेयर के साथ आप रिस्क ले सकते हो। बाकी गाइस अगर आगे बात करें यहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी की कि क्या लग रहा है इस मैच में, किस टीम के विनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मेरी सोच और समझ जो कहती है, अगर हम ओवरऑल टीम के अगर हम देखेंगे स्ट्रेंथ, तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के ज़्यादा चांस हैं यहाँ पर इस मैच को जीतने के। ये मेरी ओपिनियन है, आपको क्या लगता है इस मैच में बाजी कौन मारने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि इस मैच में किस टीम के हाई चांसेस हैं विनिंग के। अगर बात करें साउथ अफ्रीका आखिरी 5 के 5 मैच जीती है, उससे ज़्यादा भी मैच जीती है, वहीं बात करेंगे अफगानिस्तान की 5 में से 3 मैच जीती है। तो गाइस आपने देखा है यहाँ पर पलड़ा साउथ अफ्रीका का भारी है, और इस मैच में भी ना साउथ अफ्रीका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, अगर आप ऑन पेपर भी देखोगे तो साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग है। तो ये बात तो यहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी हुई है, आप भी मुझे बता देना। लास्ट वीडियो में मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया था, सबको लग रहा था ऑलमोस्ट कि इंडिया जीतेगी, और इंडिया जीती भी, जीतना ही था, और अच्छा लगा था मुझे कि आपने मेरी बात मानी। और इस मैच में भी ज़रूर मुझे बताना आप लोग, जितने लोग भी दिल से मेरी पूरी वीडियो देखते हो, कि इस मैच में कौन सी टीम जीत सकती है। तो आगे बात करेंगे यहाँ पर साउथ अफ्रीका वर्सेज अफगानिस्तान प्लेइंग 2024, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान बेस्ट टीम टुडे। तो विकेट कीपर में क्विंटन डिकॉक, हेनरी क्लासन एंड रहमानुल्ला गुरबाज, बैटर्स में डेविड मिलर, ऑलराउंडर की बात करेंगे तो मोहम्मद नबी, एडम माक्रम एंड मार्को जैनसन, बॉलिंग सेक्शन में राशिद खान, नवीन उल हक, समसी, अनरिश नोकिया। मुझे लग रहा है आप जैनसन अगर यहाँ पर साउथ अफ्रीका सेकेंड बॉलिंग करती है तो आप केशव महाराज के साथ जा सकते हो, या रबाडा ऑल्सो रबाडा जैनसन से वहाँ बेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक चेंज आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना।
कैप्टेंसी के लिए मैं राशिद खान के साथ जाऊंगी, वीसी के लिए क्विंटन डिकॉक के साथ जाने वाली हूँ। अगर आप थोड़े रिस्क टेकर हो तो आप यहाँ पर कैप्टेंसी के लिए नैनरिश नोकिया और वीसी के लिए माकरम भी बना सकते हो। टीम का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप मेरी सेम टीम के साथ भी खेलोगे इस मैच में आप हाई चांसेस हैं विनिंग के, 60-70% कॉन्टेस्ट आप इसी सेम टीम के साथ जीत जाओगे। और हर डेली ही जो वीडियो वाली टीम हमारी जाती है बहुत ही बेस्ट जाती है। बाकी गाइस देखो ये बात हुई है स्मॉल लीग की। अगर हम ग्रैंड लीग की बात करेंगे तो जीएल में आपको ट्राई करना है एनरिश नोकिया, रहमानुल्लाह अग्रवाल, हेनरिश क्लासन एंड गुलाबदीन नईब, जीएल के रिस्की पिक है। और सेफ खेलने के लिए क्विंटन डिकॉक, राशिद खान, नवीन उल हक एंड रविकागिस और रबाडा, ये 8 प्लेयर तो मैंने आपको यहीं दे दिए। बाकी के 3 प्लेयर आपको रिस्क उठाने हैं। अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो तो वहाँ पर आप उमर जाई को ट्राई किया जा सकता है, ट्रिस्टन स्टब इस मुझे लग रहा है अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और अगर आप सेफ खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो जिसमें कम मेंबर होते हैं, 2-3 मेंबर, 4 मेंबर में खेलते हो तो बिल्कुल सेफ टीम है। वहाँ पर केशव महाराज, रबाडा, यही सारे प्लेयर आपके सेफ होंगे। और एक बात आपको जरूर बताती हूँ, गुरबाज जदरान में से भी यहाँ एक प्लेयर इस मैच में इंपॉर्टेंट रहेगा। गुरबाज मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारी एनालिसिस देखो बहुत अच्छे से बताई है, आप स्क्रीनशॉट लो। ग्रैंड लीग में थोड़ा रिस्क लेना, हालांकि ये मैच वन साइडेड भी हो सकता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो ग्रैंड लीग में अगर आप नंबर ऑफ टीम बनाते हो तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है विनिंग करने के लिए, ठीक है। बाकी गाइस देखो जो हमारी फाइनल टीम आती है, जैसे लास्ट मैच में हमने आपको ट्रंप प्लेयर सारे दिए थे और इतनी अच्छी टीम बना के दी थी सारे मेन प्लेयर को लेके, वैसे ही आपको आगे भी टीम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है फैंटेसी क्रेक बॉल, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक प्यारा सा कमेंट इस फर्स्ट सेमीफाइनल मैच के लिए जरूर करिएगा। बाकी गाइस आज का हमारा गिव अवे क्वेश्चन ये रहने वाला है कि इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनने वाला है, और सेकेंड क्वेश्चन ये रहने वाला है कि इस मैच में मोस्ट विकेट टेकर बॉलर कौन बनने वाला है, सबसे ज़्यादा विकेट निकाल के इस मैच में कौन देने वाला है। गाइस देखो बॉलिंग ऑप्शन इतने ज़्यादा है ना कि आपके लिए ये सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर देना बहुत टफ रहने वाला है यार, मेरे लिए भी टफ है। और साथ ही साथ दोनों क्वेश्चन का आंसर देने के साथ साथ हैशटैग लगाना मत भूलना, एसए वर्सेस एएफजी साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान, हैशटैग लगा के आंसर कर देना। तो गाइज मैंने देखो अपना 100% दिया इस वीडियो में आपके लिए, बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट बताए, एक एक प्लेयर के बारे में आपसे एनालिसिस करके दिए। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, मैंने आपको आईडी भी बता दी है, वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलना। फाइनल टीम के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर में बहुत कम मतलब कमी नहीं चाहिए, भर भर के लाइक और कमेंट कर देना और शेयर जरूर करना। देखो पहला सेमीफाइनल मैच है तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट।